संघ की महारथ यात्रा। इस समय मैं सीपी टैंक के उस चौराहे पे खड़ा हूँ जहाँ पर अल्पा रांदेरिया उपाध्यक्ष मुम्बा देवी विधानसभा, अतीत रांदेरिया अध्यक्ष मुम्बा देवी विधानसभा और ये सभी ये कह सकता हूँ कि समाज रत्न और जैन रत्न और इनको कौन नहीं जानता, जैसे कि आप चेहरा दिखा रहे हैं इनको कौन नहीं जानता। आइए उनसे बात करेंगे। सर, समस्त जैन संघ की महारथ यात्रा में आज रांदेरिया जी और भाजपा की तरफ से एक सुंदर आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जैन समाज में एक रथ यात्रा एक कर्तव्य है। महावीर स्वामी भगवान ने बोला है एक पर्युषण के बाद एक कर्तव्य करना चाहिए और ये जैन समाज एक कर्तव्य पूरा कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, जैन समाज के महारथी उसके अंदर शामिल हुए हैं और अतीत भाई ने तो इतना सुंदर कार्यक्रम सीमेंट डैंक पर बनाया है कि पूछो मत। उसका जो इतना गुणगान गाए इतना कम है और जैन समाज का जय जयकार हुए, जैन समाज माइनॉरिटी में है तो उसको जरा बढ़ावा मिले, जैन समाज को आगे बढ़े, ऐसा भगवान को मैं भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप तो जुड़े हुए हैं बड़े मंडलों से। सर, जैन समाज की ये जो कर्तव्य उन्होंने बताया, ये कर्तव्य पथ किस तरह का है और कहाँ तक लेके जाता है? रथ यात्रा का मतलब ये है कि आज सारे समाजों को और विश्व को मालूम पड़े कि प्रवाजित, जैसे आप गणपति का महोत्सव समझते हो, जैसे नवरात्र का महोत्सव समझते हो, ऐसे जैनों के अंदर बड़ी और मैं तो रांदेरिया जी का अभिनंदन करूंगा, उन्होंने आज हमारे शक्कर का पानी और गर्म पानी उकाल के, आप ब्रिसलिंग वगैरह तो पीते हो मगर गर्म पानी को उकाल के सबको पिलाना और आज के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है। मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, बम्बई जैन पत्रकार संघ की ओर से मैं उनका खूब खूब अभिनंदन करता हूँ कि आप आगे बढ़ो, पूरा जैन समाज आपके साथ। जो संसार छोड़ रहे हैं ऐसे 7-7 दीक्षार्थियों भी उसके साथ शामिल है जो कई कई गांव को है। मैं खूब अभिनंदन और गुरुदेवों को भी वंदन करता हूँ। हम भी आज हमारे ये ओर से हम उनका मोती से सोने के फूल से हार्दिक स्वागत करेंगे। अभिनंदन, वंदन और ऐसा चंदन जो मस्तिष्क पर चमकता है और आपने जिस तरह से यहाँ का आयोजन किया है इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैंने खुद ने आयोजन किया हुआ बोल नहीं सकता हूँ कि इसमें जितने भी अपने समस्त जैन भाइयों है वो सबके साथ में मिलके उनके पास से जैन धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान लेके बाद में तैयारी मैंने शुरू किया है और इसमें जैन हो या अजैन हो मैं नहीं मानता हूँ, सब एक ही है। गुरु भगवंतों का, आचार्य भगवंतों का, सबका आशीर्वाद से आज ये मौका मेरे को मिला है। पहली बार जो भाई मैं कुछ कर पाऊँ, मैंने मेरा प्रयत्न किया है और आशा रखता हूँ कि जितनी बार रथ यात्रा निकले उतनी बार हमको मौका मिलता रहे और हम ये सेवा करते हैं, यही भगवंतों से आशीर्वाद मांगता हूँ। आज के इस आयोजन को लेकर कितना उत्साह है बताएं? बहुत ही उत्साहित हैं और सभी जैन भाइयों बहनों को हमारी ओर से स्वागत है और आशा रखते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी और हम कर पाए, उनका सपोर्ट मिले, उनका साथ मिले, यही चाहिए। मनुष्य जीवन में जी और जीने दो, आप क्या सोचती हैं? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, यही जैन धर्म का सबसे बड़ा तत्व है और इसी पे हम पे चलते आए हैं। मैं खुद जैन हूँ, मैं खुद मारवाड़ी हूँ और आज के जो रथ यात्रा में हैं इतने महानुभवी 24 दीक्षार्थी, इतने सब लोग आए, ये देख देख कर ऐसा मन प्रफुल्लित हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमारे हर्ष का कोई पार नहीं है और यही उसकी अनुमोदना करने के निमित्त ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के निमित्त पूरे मुंबई में 2000 स्थानों पर एक साथ
भारतीय जनता पार्टी मुंबई ने आशीष शेलार जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किए, सभी शक्ति केंद्र स्थल पर कार्यक्रम हुए, साथ ही संयोग था मन की बात का भी, क्योंकि महीने का अंतिम रविवार था और मन की बात को भी सभी ने ध्यान से सुना, चौराहे पर कार्यक्रम किया। उसी योग में इतनी बड़ी महारथ यात्रा आज थी और हमारे मंडल के अध्यक्ष हतित रांदेरिया जी, सभी पदाधिकारियों ने मिलकर जो जैन बांधव यहाँ से जा रहे थे उनकी सेवा के लिए यहाँ पर व्यवस्था की, उनको शुभकामनाएं दी। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ।
बात को।